हरे कृष्णा। तभी हम भगवद गीता के छठवें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 6 पर विचार करेंगे। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य ये नात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवन्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं बंधु आत्मा आत्मना तस्य कि जो आत्मा यानी मन बंधु है आत्मना तस्य तो उस जीव का जो मन है वो उसका मित्र है। येन आत्मा एव आत्मना जितहा जिसने अपने द्वारा अपने मन को ही जीता है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे और जिसने अपने मन को नहीं जीता है तो शत्रुत्वे वर्तेत तो शत्रु की तरह व्यवहार करता है। वर्तेत आत्मैव शत्रुवत तो ये जो है मन जो है शत्रु की तरह व्यवहार करता है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अभिजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जब तक मन अभिजित शत्रु बना रहता है, शत्रु अगर विजित हो जाता है तो फिर अपना मित्र बन जाता है। कई शत्रु ऐसे भी होते हैं संसार में कि अगर उनको आप जीत लेते हैं तो फिर वो मौका पा करके शत्रुता करते हैं। लेकिन मन ऐसा नहीं है, अगर मन को आपने जीत लिया तो फिर ये जो है हमेशा के लिए मित्र बन जाता है। तो मन को जीतना है। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि जब तक मन अभिजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। तो मन अगर शत्रु बना हुआ है तो ये क्या करेगा, ये जो मन है ये काम क्रोध लोभ मोह इनकी आज्ञाओं का पालन करेगा। तो ये मन ही जो है इनके साथ में मित्रता करेगा। तो शत्रु वास्तव में काम क्रोध लोभ मोह वास्तव में यही शत्रु हैं। लेकिन मन जो है इनके अधीन हो जाता है तो फिर ये मन हमारा शत्रु हो जाता है। अगर हम अपने मन को अपने बस में करते हैं तो हमारे इच्छा के अनुसार चलेगा, ये काम क्रोध लोभ मोह इन शत्रुओं के अनुसार नहीं चलेगा। तो ये हमारा मित्र है। लेकिन अगर ये हमारे बस में नहीं होता है तो फिर ये शत्रु बन जाता है, क्योंकि शत्रुओं के साथ में ये रहता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छानुसार उन भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हैं। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो यहाँ प्रभुपाद ये समझा रहे हैं योगाभ्यास का अर्थ ये है। आगे, जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वो भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या लिखते हैं, साक्षात कृष्ण भावनामृत। साक्षात कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है कि श्री कृष्ण के संबंध में सुनना और सुनाना और हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, तो ये साक्षात कृष्ण भावनामृत है। तो यद्यपि हमारा श्री कृष्ण के साथ सीधे संबंध अभी नहीं बन रहा है, लेकिन तो भी
यह सीधे संबंध की ही तरह है कि हम श्री कृष्ण के संबंध में सुनते हैं, सुनाते हैं या उनका संदेश लोगों को पहुंचाते हैं और उनके नाम का जो है लोगों से कीर्तन कराते हैं। तो ये जो कृष्ण भावनामृत है, अगर ये साक्षात है तो फिर क्या होता है कि भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। तो ये जो है अपने आप कार्य होता है कि श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार ही हमारे सब कार्य होने लगते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य का मन ही मित्र तथा मन ही शत्रु है। उस समय अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि यदि मन ही अपना मित्र है तथा मन ही अपना शत्रु है तो किस स्थिति में मन मित्र होता है तथा किस स्थिति में मन शत्रु होता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के संशय को समझ गए तथा उन्होंने इस श्लोक में बतलाया है कि जिसने अपने मन को जीत लिया है उसका मन उसका मित्र है, परंतु यदि व्यक्ति अपने मन को नहीं जीतता है तो उसका मन उसका शत्रु है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः, अर्थात जिस जीवात्मा ने अपने मन को जीत लिया है मन उस जीवात्मा का मित्र है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मन इच्छानुसार तो मनुष्य इच्छानुसार उन भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हैं। तो गीता 6:35 में श्री कृष्ण ने कहा है कि मन को अभ्यास तथा वैराग्य इन दो विधियों के द्वारा बस में किया जाता है। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास का अर्थ है कि मन अपनी चंचलता के कारण श्री कृष्ण के नाम गुण आदि में नहीं लगना चाहता है, परंतु हम उसे बलपूर्वक लगाते हैं। हमारा मन कहता है कि बार बार हरे कृष्ण कहने में क्या सुख है, इस भौतिक संसार में अनेक प्रकार के ऐसे कार्य हैं जिनसे सुख प्राप्त होता है। यदि हमारा शरीर बालक का है तो मन कहता है कि हरे कृष्ण का बार बार जाप करने में कोई सुख नहीं है, अपने मित्रों की संगति में खेलने में असली आनंद आता है। यदि हमारा शरीर युवक का है तो मन कहता है कि हरे कृष्ण का जाप करने में कुछ भी रस नहीं है, मित्रों के साथ बाहर घूमने में बड़ा सुख है, सिनेमा देखने में बड़ा सुख है। यदि हमारा शरीर वृद्ध है तो मन कहता है कि हरे कृष्ण के जाप में कोई लाभ नहीं है, मुझे चिंता है कि मेरा पुत्र दूसरे शहर में पढ़ाई कर रहा है, वो कहीं पढ़ाई में असफल तो नहीं हो जाएगा, मेरी पुत्री का भी विवाह हुआ है, उसे अपने ससुराल में कोई असुविधा तो नहीं हो रही है, मेरा छोटा पुत्र व्यापार संभाल रहा है, उसे कोई अनुभव नहीं है, कहीं व्यापार में घाटा तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मन हरे कृष्ण का जाप ना करके बचपन की अवस्था में खेल की ओर जाता है, जवानी की अवस्था में स्त्रियों की ओर जाता है तथा बुढ़ापे की अवस्था में चिंताओं की ओर जाता है। परंतु अभ्यास का अर्थ है कि हम मन की पुकार को ना सुनकर हरे कृष्ण का जाप करें। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि प्रातःकाल उठते ही मन को 100 जूते लगाना चाहिए और सोने के पूर्व मन को झाड़ू से 100 बार पीटना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य का मन संयमित रहता है। असंयमित मन तथा व्यभिचारिणी स्त्री की दशा एक समान है। जिस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री किसी भी समय अपने पति का वध कर सकती है, उसी प्रकार असंयमित मन काम क्रोध लोभ प्रमाद ईर्ष्या तथा मोह के वश में आकर योगी का वध कर देता है। जब योगी मन द्वारा संचालित होता है तो वह संसारी स्थिति को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह मन से उसी प्रकार सतर्क रहे जिस प्रकार व्यभिचारिणी पत्नी से पति को रहना चाहिए। गीता 6:26 में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी
विचरण करता है। मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने बस में लाए। हमें यहाँ वहाँ भटकते हुए मन को पुनः एकाग्र करना चाहिए। भले ही मन कुछ भी क्यों ना कहे, हमें हरे कृष्ण का जाप करने के लिए दृढ़ रहना ही होगा। मन स्वभाव से ही उत्तेजित एवं अस्थिर है और चंचल व चपल है। यह कारण ही एक विषय से दूसरे विषय पर उछलने के लिए तत्पर रहता है। किंतु हमें अपना संकल्प धारण करना है कि हमें हरे कृष्ण का ध्यान पूर्वक जप करना है। इस संकल्प की पूर्ति के लिए हमें अपने मन को पुनः खींचकर इस जप के सरल कार्य में लगाना होगा। अभी तक हमने अभ्यास की विधि की चर्चा की, अब हम वैराग्य की विधि की चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद गीता 6:35 के तात्पर्य में लिखते हैं, वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति इति। श्रील प्रभुपाद भागवत 5:11-17 के तात्पर्य में लिखते हैं, जिस एक अस्त्र से मन को जीता जा सकता है वो है उपेक्षा। मन सदैव हमें कुछ ना कुछ करने के लिए कहता रहता है, अतः हमें मन के आदेशों की उपेक्षा करने में चतुर होना चाहिए। हमें मन के आदेशों का पालन नहीं करना है। जबकि समय मन हमें ये विश्वास दिलाता है कि मन जिन विचारों में आ सकते हैं वे सभी अति महत्वपूर्ण हैं, किंतु मन हमारे साथ छल करता है तथा हमसे झूठ बोलता है। यदि हमें अच्छा जप करना है तो हमें इतना विरक्त तो होना ही चाहिए कि हम स्वयं की पहचान मन के साथ ना करें। भागवत 1:2-18-19 में कहा गया है कि भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्ति की सेवा करने से मन के अनर्थ प्रायः नष्ट हो जाते हैं तथा व्यक्ति को भक्ति में निष्ठा की प्राप्ति होती है। उस समय रजोगुण तथा तमोगुण के भाव समाप्त हो जाते हैं और मन सत्वगुण में स्थित होकर प्रसन्न हो जाता है। मन के प्रसन्न होने पर अब मन हमें किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाता है। अब हमारा मन जप करते समय जप में लगने लगता है तथा उन वस्तुओं को कोई महत्व नहीं देता है जो इंद्रिय तृप्ति पर आधारित हैं। अब हमारा मन उत्तेजित नहीं होता है, घमंड ईर्ष्या को बढ़ावा नहीं देता है। अब हमारा मन जप करते हुए ऊबता नहीं है। अब हमारा मन सूक्ष्म या स्थूल किसी भी कारण से विचलित नहीं होता है। अब हमारा मन हरे कृष्ण का ध्यान पूर्वक जप करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने मन को बस में कर लिया है उसका मन ही उसका मित्र है। इस श्लोक की अगली पंक्ति में श्री कृष्ण कह रहे हैं, अन आत्मना तो शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। अर्थात यदि मन को बस में नहीं किया गया है तो शत्रुता होने के कारण मन शत्रु की तरह कार्य करता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो अपने मन को बस में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अभिजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। इति पद्म पुराण के भूमिखंड में वर्णन आता है कि उड़ीसा के अंतर्गत श्रीपुर नाम के एक नगर में वसुदत्त नाम के एक ब्राह्मण की एक सुदेवा नाम की पुत्री थी। उसका विवाह शिव शर्मा नाम के एक योग्य ब्राह्मण के साथ हुआ था। सुदेवा का मन बस में ना होने के कारण उसका शत्रु बन गया था, अतः वह घमंड के कारण अपने पति की सेवा नहीं करती थी। वह अपने पति को सदा क्रूर दृष्टि से देखती थी। वो जहाँ तहाँ स्वच्छंदता पूर्वक घूमती फिरती तथा माता पिता पति तथा भाइयों की परवाह नहीं करती थी। उसका दुष्कर्म देखकर उसके पति उसे छोड़कर चले गए। अब जिस समय उस पापिनी के प्राण छूटे उस समय यमराज के दूत उसे सांकल के दृढ़ बंधन में बांधकर
यमपुरी को ले चले। मार्ग में जब वह अत्यंत दुखी होकर रोती थी उस समय वे उसे मुद्गरों से पीटते और दुर्गम मार्ग से ले जाकर कष्ट पहुंचाते थे। उन्होंने उसे यमराज के सामने ले जाकर खड़ा किया। उस समय यमराज ने क्रोधपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखकर उसे अंगारों की ढेरी में फेंकवा दिया। उसके बाद वह कई नरकों में डाली गई। उसने अपने स्वामी के साथ धोखा किया था, इसलिए एक लोहे का पुरुष बनवाकर उसे आग से तपाया गया और उसकी छाती पर सुला दिया गया। नरक की प्रचंड आग में तपाई जाने पर वह अत्यंत कष्ट पाने लगी। असिपत्र वन नामक नरक में पड़कर उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया। फिर उसे पीप, रक्त और मल के कुंड में डाला गया। फिर कीड़ों से भरे हुए कुंड में उसे डाला गया। फिर नरक से निकलकर सियारिन, कुतिया, सर्पणी, मुर्गी, बिल्ली तथा अंत में उसने चूहिया की योनि में जन्म लिया। उसके पश्चात वह सूकरी बनी। ये दुर्दशा उसके मन के कारण हुई। उसने अपने मन को नहीं जीता था, अतः उसके मन ने उसके साथ ऐसी शत्रुता की कि उसे भयानक दुर्गति प्राप्त हुई। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसने मन को नहीं जीता उसका मन उसका शत्रु है। यदि मन को जीता नहीं जाता है तो ये मन अशांत रहता है। खिलौने की दुकान में किसी 2 वर्ष के बालक की भांति यह शांत मन वस्तुओं के प्रति तीव्र रूप से आसक्त हो जाता है और उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। गीता 2:62 में श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मन में उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। इस प्रकार हमारा मन अनियंत्रित होने के कारण हमारे शत्रु की तरह व्यवहार करता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये जाना जे नील निजय मन आत्म जित से बंधन से मन ये बंधुता शास्त्र ते कथित अजित ये मन से मन निजय शत्रु अजित ये अपकारी है सदा विरुद्ध विपक्ष। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अपकारी है सदा विरुद्ध विपक्ष, अर्थात हे अर्जुन, यदि तुम अपने मन को मेरे आदेश का पालन करने में नहीं लगाओगे तो यह मन तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। ये मन तुम्हारा अपकारी तथा तुम्हारे विरुद्ध विपक्षी बन जाएगा, अतः तुम मेरे आदेश के अनुसार युद्ध करो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य, कि ये मन जो है अपना ही बंधु है। ये आत्मैव आत्मना जिता, जिसने अपने द्वारा अपने मन को जीत लिया है। अनात्मनस्तु शत्रुत्व, लेकिन अनात्मना यानी जिसने मन को नहीं जीता है, शत्रुत्व तो शत्रु की तरह वर्तेत है, ये वर्तता है, आत्मा एव यानी आत्मा का मतलब मन है, तो शत्रुता में ही शत्रु के समान ये व्यवहार करता है। तो यहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग एक बार आता है तो वो मन होता है, दूसरी बार आता है तो जीवात्मा होता है। जैसे पहला जो पद है, बंधु आत्मा आत्मनस्तस्य, ये बंध आत्मा ही बंधु है आत्मा का। तो पहला जो आत्मा है, पहला शब्द आत्मा है, वो मन है, हैं? तो आत्मा ही आत्मा का बंधु है, इसका मतलब मन ही अपना बंधु है। तस्य उसका, ये नात्मैव आत्मना जता, जिसने आत्मा को आत्मा के द्वारा जीता है। तो आत्मा को का मतलब है मन को जीता है, और आत्मा के द्वारा जीता है तो जीवात्मा अपने द्वारा जीता है। अनात्मना तो शत्रुत्व, अनात्मना का मतलब है कि जिसने मन को नहीं जीता है। तो मन किंतु जिसने अपने मन को नहीं जीता है, शत्रुत्व वर्तेत,
तो शत्रु की तरह व्यवहार करता है आत्मा एव यानी मन ही शत्रुवत, शत्रु होकर के शत्रु के समान ही व्यवहार करता है, है ना। तो ये बहुत ही विशेष श्लोक है, बहुत शिक्षाप्रद श्लोक है, इसमें बहुत गहराई है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी भी नींद की जो है बड़ी